Hello student, in this video we will see on the topic that is the oxazoles. Okay, so let's see the properties, synthetic methods of the oxazoles. Okay, so properties are, oxazoles have 3C1N N1S, all are the sp2 hybridized. Oxazole ke structure mein kya hota hai, carbon atom rehte hai 3, one nitrogen atom rehta hai aur one oxygen rehta hai. Theek hai, aur they all are sp2 hybridized hote hain. ठीक है, सो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्लेनर एंड इट मेक्स द प्लेनर ऑक्सेसोल रिंग स्ट्रक्चर. तो ये जो सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेनर रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है वो हायर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो प्लेनर फॉर्म होता है. ठीक है, तो प्लेनर ऑक्सेसोल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, नाउ लेट सी द सिंथेटिक मेथड्स ऑफ द ऑक्सेजोल्स. रैबिनसंस गैब्रियल सिंथेसिस, रैबियन गैब्रियल सिंथेसिस, रैबियन गैब्रियल ने जो सिंथेसिस दिया है मेथड ऑक्सेजोल सिंथेसिस की. ठीक है, सो उसे हम रैबिनसन गैब्रियल सिंथेसिस कहते हैं. पहला क्या है, साइक्लाइजेशन डिहाइड्रेशन, दैट इज एसिड कैटलाइज क्लोजर. ठीक है, साइक्लाइजेशन डिहाइड्रेशन दिया है मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा ऑफ एन अल्फा साइक्लोमाइनोकार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, देखो एसिड कैटलाइज्ड है मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, सो वी विल गेट द क्या मिलेगा हमें, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सेजोल रिंग मिलेगा. ठीक है, मतलब 3 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ओके, सेकंड दैट इज फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. सेकंड सिंथेसिस जो दिया है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड से बना है. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है, उसे असाइलोइन कहते हैं. ठीक है, इन रिएक्टेड विद इन प्रेजेंस ऑफ अमाइड वाटर मॉलिक्यूल, टू वाटर मॉलिक्यूल गेट रिमूव फ्रॉम दिस एंड वी विल गेट द सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सेजोल्स. दिस इज द अनदर सिंथेटिक मेथड विच इज prepared by the oxazole from the alpha hydroxycarbonyl compound. Okay, now let's see the thiazoles. Okay, so the properties of the thiazoles have 3 carbon, 1 nitrogen and 1 sulfur, all are sp2 hybridized. देखो थायजोल रिंग में जो रहता है वो 3 कार्बन एटम रहेंगे, 1 नाइट्रोजन रहेगा और 1 क्या रहेगा, सल्फर रहेगा. जब ऑक्सेजोल देखा था तब उसमें क्या था, ऑक्सेजोल में ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्या है, थायजोल में सल्फर है. ठीक है, अभी देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के वजह से वो प्लेनर है और उसके वजह से वो प्लेनर थायजोल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. गैब्रियल सिंथेसिस देखो, इसमें इट इज गिव दिस सिंथेसिस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट गैब्रियल, सो दैट इट इज कॉल्ड एज द गैब्रियल सिंथेसिस. कंडेंसेशन ऑफ एसिल अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरस पेंटासाइड. ठीक है, अल्फा एसिल अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करने के बाद, कंडेंसेशन करने के बाद जो मिलता है प्रोडक्ट वो क्या है, वो है थायजोल है. ठीक है, बहुत सिंपल कंडेंसेशन है और बहुत सिंपल रिएक्शन है सिंथेसिस की. सेकंड दैट इज द फ्रॉम एन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है, उसे ही हम हैंडटच थायजोल सिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हैलोकिटोन एंड थायोमाइड रिफर टू एज द हैंडटच थायजोल सिंथेसिस. जब अल्फा हैलोकिटोन का थायोमाइड के साथ क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, हैंडटच थायजोल सिंथेसिस बोलते हैं. वो साइंटिस्ट ने ज्ञान दिया है उसकी वजह से उसको उसका नाम दिया है. ठीक है, ये अल्फा हैलोकिटन का रिएक्शन जब थायामाइड के साथ होता है तो वाटर मॉलिक्यूलर एसिल क्या होता है, रिमूव होता है, कंडेंसेशन होता है और हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड थायजोल मिलता है. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल सिंथेसिस प्रोसेस दिया है और यहाँ पे हमारा अजोल ग्रुप एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे वो रहेगा बेंजोफ्यूज्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, थैंक यू.